तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिरो निको प्रोजेक्ट का एपिसोड नंबर 3, वो भी हिंदी में। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वीडियो अब शुरू होने जा रही है। एपिसोड की शुरुआत में हमें व्हाइट किंगडम को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन आयरिस अपने थ्रोन के ऊपर बैठी रहती है और वो कुछ सोच रही रहती है कुछ पुरानी बातों के बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन आयरिस प्रार्थना कर रही है व्हाइट किंगडम के अंदर शांति के लिए। फिर वो शीमा से पूछती है कि आखिर क्वीन ऑफ लाइट करती क्या है। फिर शीमा कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। फिर आयरिस कहती है कि हम में से कोई एक क्वीन ऑफ लाइट बनने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फाउंडर ऑफ रूइन के सामने बैठे रहते हैं और इंतजार कर रहे रहते हैं कि आखिर फाउंडर ऑफ रूइन किसको अगला क्वीन ऑफ लाइट चुनता है। और फिर फाउंडर ऑफ रूइन कहता है कि आयरिस तुम बनोगी क्वीन ऑफ लाइट और शीमा तुम बनोगी लीडर ऑफ द मेजेस। और फिर वो दोनों मिलके पिकनिक के बारे में प्लानिंग करते हैं क्योंकि उन्हें पिकनिक मनाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। और वो दोनों मिलके काफी सारे अलग अलग तरह के पौधों को कलेक्ट करते हैं। और फिर आयरिस कहती है कि इन सभी को पका के खाने पे काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर वो दोनों अपने महल के अंदर वापस आ जाते हैं और साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं। और फिर आयरिस वापस अपने बेडरूम की ओर जा रही रहती है और कहती है कि वो सभी के सभी कितने ज्यादा टेस्टी थे। और फिर हमें व्हाइट किंगडम के नाइट को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे भी वाइल्ड प्लांट काफी ज्यादा पसंद है। और आयरिस उसे देख के भी यही सवाल पूछती है कि आखिर एक क्वीन ऑफ लाइट करती क्या है। और फिर वो नाइट जवाब देता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। और फिर आयरिस कहती है कि मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि आखिर क्वीन ऑफ लाइट करती क्या है। और फिर वो नाइट कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छी क्वीन ऑफ लाइट बनेंगी। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ के पास आके खड़ी होकर वही चीज सोच रही रहती है कि आखिर क्वीन की सबसे जरूरी चीज क्या होती है जो उसे करनी चाहिए। तभी वहाँ पे अचानक से डार्कनेस आ जाती है। आयरिस रून ऑफ फाउंडर की ताकत की मदद से डार्कनेस को हरा देती है और फिर तभी भविष्यवाणी होती है। और फिर भविष्यवाणी कहती है कि जो क्वीन ऑफ लाइट होती है उसे हमेशा लोनलीनेस का सामना करना पड़ता है और हमेशा लड़ते रहना होता है जब तक जो लड़ाई है वो खत्म ना हो जाए। और फिर क्वीन आयरिस कहती है मैं भी अब से ऐसा ही करूंगी और मैं हमेशा खड़ी रहूंगी और लड़ती रहूंगी चाहे मैं कितनी भी अकेली क्यों ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्लैक किंगडम दिखाया जाता है और वहाँ पे जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस रहता है वो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा रहता है क्योंकि उसे कॉम्पिटिशन में भाग लेना है और बाकी के सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस से फाइट करके जीतना है ताकि वो आगे चल के किंग ऑफ डार्कनेस बन सके। उसके बाद वैलेस कहता है कि मुझे कोई शक नहीं है कि तुम ही जीतोगे क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कि जीतने के लिए चाहिए। फिर हमें सीधा टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस एक दूसरे को चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि आखिर प्राइज क्या है इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट का प्राइज एक बहुत ही सुंदर सी स्वॉर्ड है जो कि रेड और ब्लैक कलर की है, वो काफी ज्यादा बड़ी और लंबी सी है और लोग उस तलवार को लॉन्ग स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं। और फिर सारे के सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि आखिर हम लोगों को करना क्या होगा। और फिर हम लोगों को बताया जाता है कि उन लोगों को पहले राउंड में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट से लड़ना होगा और फिर जो दो लोग आखिरी तक खड़े रहेंगे उन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा और जो जीतेगा वो बन जाएगा प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और फिर ये शेर जैसी शक्ल वाला इंसान कहता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर इजी बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और फिर ग्रोजा कहती है कि यहाँ पे सारे के सारे फर्स्ट एड का इंतजाम पहले से है, अगर किसी को चोट लगती है तो उसका इलाज हो सकता है। और फिर ग्रोजा कहती है कि अगर किसी को लग रहा है कि वो मर जाएगा तो वो सरेंडर भी कर सकता है। और फिर फाइट शुरू हो जाती है, सभी लोग एक साथ मिलके मैजिकल बीस्ट को मार रहे रहते हैं और फाइट ऐसे ही चलती रहती है। और तभी एक मैजिकल बीस्ट एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला रहता है लेकिन हमारा हीरो उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन ये लायन की शक्ल वाला इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने उस लड़की को क्यों बचाया, मुझे जवाब दो। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर हमें एक बहुत ही बड़े से मैजिकल बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा सा राक्षस जैसा दिख रहा रहता है। सभी उसे लड़ने की कोशिश कर रहे रहते हैं और तभी वो बड़ा सा जायंट उस शेर जैसी शक्ल वाले इंसान का सर पकड़ लेता है और वो उसे बस कुचल के मारने वाला रहता है। लेकिन वो शेर वहीं पे सरेंडर कर देता है और तभी वहाँ पे हमारा हीरो आके उसको भी मार देता है। तभी जो वो दूसरा लाल बालों वाला लड़का रहता है वो इससे आके कहता है
कि क्या तुम किसी को भी नहीं मारोगे अगर वहाँ पे और कोई रास्ता न हो किंग ऑफ डार्कनेस बनने का। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और उन दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर की लड़ाई हो रही रहती है। लेकिन तभी हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो डोमिनेट करने लगता है उस दूसरे लड़के के ऊपर। वो उसे हरा भी देता है बहुत ही आसानी से, लेकिन वो फिर भी लड़ने की कोशिश करता है। तो वो उसकी गर्दन के सामने अपनी तलवार को रख देता है और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे लोगों को मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को खुश रख सकूँ। ये सुन के वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो बाद में हंसने लगता है। तभी वहाँ पे ग्रोजा आती है और कहती है कि तुम ये कॉम्पिटिशन जीत चुके हो और ये तलवार अब से तुम्हारी हुई और तुम ही हो अब से नए प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और फिर वो लड़का हम लोग को दिखाया जाता है और वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है एडल। तभी उन लोगों को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि उन सभी को जाना है व्हाइट किंगडम ब्लैक किंगडम के दूत बन के। और उसके बाद हीरो कहता है कि व्हाइट किंगडम हाँ। और फिर हमें क्वीन आयरिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार को पकड़ी हुई रहती है और हवा में उड़ रही रहती है। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं एक सब्सक्राइब डिजर्व करता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डेली नए नए एपिसोड इसके लाता रहता हूँ, तो प्लीज उन सारे के सारे एपिसोड को भी देखिएगा। और साथ ही साथ मैंने काफी सारी अलग अलग सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है, तो उन्हें भी एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।